मंगलवार को नागपुर मेट्रो के एक्वालाइन समारोह में पालक मंत्री नितिन राउत ने विज्ञापन में उनका नाम नहीं देने पर नाराजगी जताई थी। वहीं नागपुर मेट्रो प्रकल्प ने अपनी गलती सुधारते हुए बुधवार को समाचार पत्र में छपे विज्ञापन में पालक मंत्री नितिन राउत समेत सभी बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया दी है। मंगलवार को नागपुर मेट्रो के एक्वालाइन उद्घाटन समारोह के छपे विज्ञापन में नागपुर जिले के पालक मंत्री नितिन राउत और गृह मंत्री अनिल देशमुख समेत कई नेताओं का नाम नहीं छपा था। इस बात को लेकर उद्घाटन समारोह में पालक मंत्री नितिन राउत ने मेट्रो से नाराजगी जताई, कहा कि शहर का बड़ा कार्य है और जिले के पालक मंत्री और गृह मंत्री का ही नाम नहीं है। आज वृत्तपत्र में काढून बघितलं, वृत्तपत्राच्या मागच्या भागावर एक फुल पेज महामेट्रोची याद आहे, परंतु दुर्दैव या ठिकाणी की नागपूरचे पालकमंत्री आणि राज्याचे मंत्री यांची नाव सुद्धा त्यामध्ये नाही, याची दखल याच्यापुढे महामेट्रोने घ्यायला पाहिजे, जेणेकरून हा जो वारसा नागपूरचा सांस्कृतिक वारसा चालला आहे, आम्ही कधी पक्षभेद या ठिकाणी मानले नाही, विकासामध्ये सर्वांनी मिळून काम करण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न केला आणि त्यासाठी नेहमीच आम्ही बोललो। जरी सरकार या ठिकाणी आमची माम विकास आघाडीची असली तरी मागची जी विकासाची कामं चालली आहे त्याला बंद करण्याचा कधी आम्ही प्रयत्न करणार नाही, त्याला पुढे देण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी होईल आणि याच्यापेक्षा चांगलं घडवण्याचा प्रयत्न आमचा राहणार आहे। वहीं बुधवार को नागपुर मेट्रो प्रकल्प ने अपनी गलती सुधारते हुए समाचार पत्र में विज्ञापन देकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, नागपुर जिले के पालक मंत्री नितिन राउत, गृह मंत्री अनिल देशमुख, युवा व खेल पशुपालन दुग्ध विकास मंत्री सुनील केदार, विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस, नगर विकास सार्वजनिक विभाग मंत्री एकनाथ शिंदे के फोटो के साथ उनकी प्रतिक्रिया छापी और सभी की नाराजगी दूर की। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ एकता गहरवा की रिपोर्ट।